अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद मदीहा में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चोको चिप कुकीज़ बनाने की रेसिपी, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की। सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट से जो है वो हमारे चोको चिप कुकीज़ जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। तो चले बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, सबसे पहले बाउल में जो है वो मैं ले लूँगी, यहाँ पर हाफ कप मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बटर। बटर को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। पहले बटर को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ली है 1/4 कप आइसिंग शुगर, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप बटर और शुगर नॉर्मल जो घर में आप यूज़ करते हैं उसको ग्राइंडर की हेल्प से भी जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं। जी अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, इसको भी मिक्स कर लेंगे। जी अब हाथ की मदद से जो है वो हम इसका डो रेडी कर लेंगे। जी व्यूअर्स, डो जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चोको चिप। और अब हम कुकीज़ को इस शेप की सारी कुकीज़ बनाते जाएंगे। अब यहाँ ले लेंगे पिज़्ज़ा पैन और इसमें जो है वो ऑयल ग्रीस कर लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह जो है वो ब्रश कर लेंगे। जी व्यूअर्स, बिस्किट्स की शेप जो है हमने रेडी कर लिया। अब हम इसको जो है वो चोको चिप के साथ ऊपर से थोड़ा गार्निश कर लेंगे। इसी तरह जो है हम सब पे लगाते जाएंगे। इसी तरह सारी कुकीज रेडी कर लेंगे। जी व्यूअर्स, कुकीज जो है हमारी बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने यहाँ पर जो है वो ले लिया है एक पतीला और पतीले में हमने सॉल्ट और एक जो है वो पैन रख दिया। अब हम इसमें जो है वो इसको ऐड कर देंगे। पतीले को जो है मैंने 5 मिनट के लिए जो है वो प्री हीट कर दिया था। अब हम इसमें रख देंगे कुकीज और इसको ऊपर से हम कर देंगे कवर। 15 मिनट के बाद जो है वो हम अपने कुकीज़ को चेक कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, 15 मिनट जो है वो हो गए हैं। अब हम इसको वो चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कुकीज़ जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इसको जो है वो बाहर निकाल के थोड़ी देर इसको करेंगे ठंडा और उसके बाद जो है वो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी व्यूअर्स, हमारी कुकीज़ जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई है और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसी लगी, और आप इसको ट्राई करने के बाद जो है वो मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। चेक करें कितनी खस्ता जो है वो हमारी कुकीज़ बनी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।